विश्व भूगोल की श्रृंखला में दक्षिण अमेरिका का आज हम तीसरे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं, दोनों पार्टों में पहले मैंने दक्षिण अमेरिका का परिचय बताया था, दूसरे हमने दक्षिण अमेरिका की जो भौतिक स्थलाकृतियाँ मतलब उसके फिजिकल फीचर के बारे में मैंने बताया था। आज का हमारा ये वीडियो मेन रूप से दक्षिण अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र और खनिजों पर पूरी तरीके से डिपेंड रहेगा। मतलब कहने का मतलब आज मैं इस वीडियो पर औद्योगिक क्षेत्र हम खनिजों के बारे में पूरी तरीके से बताएंगे। तो हम सबसे पहले दक्षिण अमेरिका के बारे में बता दें कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें खासियत हैं उनको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो ये आपके सामने दक्षिण अमेरिका का मैप बना हुआ है, दक्षिण अमेरिका का मैप। दक्षिण अमेरिका के मैप में मैं सबसे पहले बता दूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें सबसे पहले जो इस तरह से जो रास्ता है आपको ये जो दिख रहा है ये इसको बोलते हैं पैन अमेरिकन हाईवे। ये क्या है? पैन अमेरिकन हाईवे। पैन अमेरिकन हाईवे दरअसल अलास्का से शुरू होता है, अलास्का से लेकर के यूएसए, मैक्सिको और मध्य अमेरिकी देशों से होता हुआ, बस याद रखिएगा, डेरियन में नहीं पहुंचता है। जैसे मैंने मध्य अमेरिकी देशों में बताया था डेरियन गैप है, वहीं वहां उसको छोड़ करके फिर ये कोलंबिया से होते हुए फिर ये एंडीज के सहारे होता हुआ सीधे कहाँ तक? ब्यूनस आयर्स तक जाता है। उसको क्या बोलते हैं? पैन अमेरिकन हाईवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैन अमेरिकन हाईवे। इस पर लीमा, सेंटियागो, ये सब फेमस शहर जो हैं इसी हाईवे के किनारे पड़ते हैं। तो याद रखिएगा इनके बारे में। तो ये एंडीज के सहारे बिल्कुल नीचे तक आता है और उसके बाद में ब्यूनस आयर्स पे ख़त्म हो जाता है। तो ये तो हो गई पैन अमेरिकन हाईवे की बात। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पे क्या है, एक फेमस हाईवे है, रेलवे, जिसको बोलते हैं ट्रांस इंडियन रेलवे। ट्रांस इंडियन रेलवे के नाम से फेमस यहाँ पे एक रेलवे है जो कहाँ से कहाँ तक है इस पे क्वेश्चन आता है। तो वो दरअसल वालपरेजो से लेकर के ब्यूनस आयर्स तक जाता है। वालपरेजो दरअसल चिली का एक फेमस शहर है, वालपरेजो। तो वालपरेजो से लेकर के ब्यूनस आयर्स तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो याद रखिएगा ट्रांस इंडियन रेलवे इंपॉर्टेंट है, ट्रांस इंडियन रेलवे। तो इंडियन का नाम सुनते ही आप समझेंगे कि कहीं भारत में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, दक्षिण अमेरिका में है। अब हम यहाँ के फेमस और भी चीज़ें देख लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं पहले इसमें एग्रीकल्चर के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। दरअसल अगर जो हम बात करेंगे ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील मेन रूप से आप याद रखिएगा ब्राज़ील किसके लिए, ब्राज़ील गन्ने के उत्पादन के लिए अग्रणी देशों में आता है। तो याद रखिएगा ब्राज़ील को। और यहाँ पे काफ़ी वगैरह की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, तो उसके लिए फेमस यहाँ पे साओ पोलो है। और ये सब क्या है, यहाँ के फेमस जगह हैं, मतलब यहाँ के फेमस शहर हैं। साओ पोलो क्या है, एक प्रकार से साओ पोलो के याद रखिएगा कहवा की सबसे बड़ी मंडी है साओ पोलो। और इस क्षेत्र में मतलब ब्राज़ील का ये जो पूरा क्षेत्र है ये मेन रूप से किसके लिए जाना जाता है, गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है। गन्ने की खेती के साथ साथ यहाँ पे सोयाबीन वगैरह की भी खेती की जाती है। ये वाला क्षेत्र पूरा है ब्राज़ील का। लेकिन अगर हम जैसे ही अर्जेंटीना में आएंगे, अर्जेंटीना के पंपाज का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल एक प्रकार से कह सकते हैं कि उत्तर अमेरिका के प्रेरी से मैच करता है। तो उत्तर अमेरिका के प्रेरी में जैसे किसके लिए, गेहूं के लिए जाना जाता है, उसी तरीके से अर्जेंटीना का पंपाज क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है, गेहूं के लिए जाना जाता है, गेहूं के लिए जाना जाता है। तो और हम बात करेंगे कि इस साइड में पूरा मतलब कि एंडीज की तरफ की, एंडीज की तरफ की जो भी फेमस चीज़ें हैं एंडीज में, तो उनको हम देख लेते हैं। तो एंडीज में फेमस अगर हम खेती की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ खास खेती तो नहीं होती है, लेकिन ये दरअसल यहाँ पे आलू की खेती बहुत किया जानते होंगे। आलू का उद्भव भी कहाँ, पेरू से ही माना जाता है। तो क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, आलू भी पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पेरू आलू के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे टमाटर वगैरह की भी खेती की जाती है। और जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे एंडीज के, जैसे हम यहाँ पे पहुँचेंगे चिली में, तो चिली का एक फेमस शहर जो लिखा हुआ है वालपरेजो, तो वालपरेजो दरअसल ये पूरा क्षेत्र किसके लिए, शराब उद्योग के लिए जाना जाता है। क्योंकि जैसे ही अटाकामा मरुस्थल से हम नीचे पहुँचते हैं तो ये भूमध्य सागरी जलवायु पाई जाती है, जैसा मैंने बताया था कि मध्य चिली भूमध्य सागरी जलवायु के लिए फेमस है। तो यहाँ पे विटीकल्चर के लिए फेमस है, शराब उद्योग यह काफ़ी ज़्यादा फल फूल रहा। तो याद रखिएगा वालपरेजो शराब उद्योग के लिए जाना जाता है। लेकिन ये भी याद रखिएगा चिली का मध्यवर्ती क्षेत्र, क्योंकि भूमध्य सागरी जलवायु पाई जाएगी, भूमध्य सागरी जलवायु में रसीले फलदार होंगे, तो इसलिए याद रखिएगा कि ये वाला क्षेत्र फेमस है। और हम बता दें यहाँ के, थोड़ा सा हम औद्योगिक क्षेत्रों पर आ जाते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों को हम देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ के फेमस औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र की हम बात करेंगे एक से लेकर के, तो सबसे पहले हम जाएंगे चिली में। तो चिली का वही वालपरेजो लिखा हुआ है, वालपरेजो शराब उद्योग के लिए जाना जाता है, शराब उद्योग के लिए। फिर चिली का एक फेमस शहर है सेंटियागो, मतलब सेंटियागो क्या, चिली की वित्तीय राजधानी भी है सेंटियागो, चिली की वित्तीय राजधानी और चिली की राजधानी भी है। याद रखिएगा चिली की राजधानी क्या है, सेंटियागो, एंडीज में ही स्थित है। फिर बात आएगी ब्राज़ील की, ब्राज़ील याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। और ब्राज़ील में कुछ फेमस शहर हैं, जैसे एक है बेलेम, क्या बेलेम,
बेलेम फ्रेंच गुयाना के बाद ही, जैसे फ्रेंच गुयाना क्रॉस करेंगे उससे कुछ ही दूरी पर बेलेम पड़ता है। बेलेम किसके लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। बेलेम किसके लिए? ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। बेलेम के बाद आएगा रियो दी जेनेरियो। रियो दी जेनेरियो बहुत ही फेमस है, रियो सम्मेलन भी आपने सुना होगा 1992 का। तो रियो दरअसल रियो ओलंपिक वगैरह जो भी है, रियो बहुत ही फेमस है। तो रियो दरअसल वित्तीय राजधानी है किसकी? ब्राज़ील की। ब्राज़ील की राजधानी तो ब्राज़ीलिया है, लेकिन जैसे भारत की वित्तीय राजधानी क्या? मुंबई है। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है, उसी तरीके से अगर हम देखेंगे ब्राज़ील की वित्तीय राजधानी क्या है, भारत की वित्तीय राजधानी रियो दी जेनेरियो, लेकिन ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, याद रखिएगा। फिर बात आएगी साओ पोलो, ये सबसे बड़ी कहवा की मंडी है। क्या है? साओ पोलो कहवा की मंडी है। कहवा की मंडी के साथ साथ यहाँ पे ऑटोमोबाइल के उद्योग भी स्थापित कर दिए गए हैं। तो याद रखिएगा, साओ पोलो कहवा की मंडी के साथ साथ ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। और भी हम देखेंगे साओ पोलो। साओ पोलो जैसे मैंने बताया था, ब्राज़ील का पूरा क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? ब्राज़ील का क्षेत्र किसके लिए? गन्ने के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसलिए साओ पोलो को ब्राज़ील का चीनी का कटोरा के नाम से भी जानते हैं। ब्राज़ील चीनी की कटोरे, ब्राज़ील का चीनी का कटोरा क्या है? साओ पोलो ही है। लेकिन याद रखिएगा, सवा कहवा की मंडी ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। इसी के पास में दरअसल सेंटॉस बंदरगाह भी स्थित है। सेंटॉस वो कहवा निर्यातक बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, सेंटॉस। उसके बाद में हम आएंगे बेलो होरिजेंटे। बेलो होरिजेंटे दरअसल इस्पात उद्योग मतलब स्टील उद्योग के लिए जाना जाता है। बेलो होरिजेंटे लिखा हुआ है, आप मैप में भी देख सकते हैं, बेलो होरिजेंटे। उसी के नीचे रियो दी जेनेरियो, उसी के नीचे साओ पोलो है। तो इसको आप याद रखिएगा, बेलो होरिजेंटे किसके लिए जाना जाता है? स्टील उद्योग के लिए जाना जाता है। स्टील और खासकर आयरन के लिए भी काफ़ी फेमस है। फिर हम बात करेंगे वेनेजुएला की। वेनेजुएला दरअसल, वेनेजुएला जैसे ही नाम वेनेजुएला का आता है, वेनेजुएला के नाम आते ही हम लोगों के दिमाग में पेट्रोलियम की बात आ जाती है, क्योंकि वेनेजुएला पेट्रोलियम के उत्पादन में अग्रणी देशों में आता है। तो वेनेजुएला की बात करेंगे तो एक तो ये तो हो गई बात जो मैं बता रहा हूँ खनिज की, लेकिन अगर जो हम औद्योगिक क्षेत्रों की बात करेंगे तो वेनेजुएला की राजधानी क्या? कराकस है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है, और वेनेजुएला की राजधानी कराकस रसायन उद्योग के लिए जानी जाती है, रसायन उद्योग। लेकिन क्योंकि दरअसल हम लोगों के दिमाग में तो पेट्रोलियम ही आता है, लेकिन याद रखिएगा कराकस रसायन उद्योग के लिए फेमस है, रसायन उद्योग के लिए। फिर बात आएगी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के एक फेमस राजधानी उसी की ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या? ब्यूनस आयर्स है। ब्यूनस आयर्स किसके लिए जानी जाती है? मांस निर्यातक के लिए जानी जाती है। मांस निर्यात यहाँ से बहुत ज़्यादा होता है, और गेहूँ के लिए भी काफ़ी फेमस है, गेहूँ का भी निर्यात यहाँ से करते हैं। ये उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो भी गेहूँ के निर्यात के लिए जानी जाती है। तो लेकिन इसमें ब्यूनस आयर्स में आपको ये जानना है कि मांस निर्यातक के रूप में जाना जाता है ब्यूनस आयर्स। फिर ये तो हो गई औद्योगिक क्षेत्रों की बात। औद्योगिक क्षेत्रों के साथ साथ खनिजों पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खनिज से भी दक्षिण अमेरिका में बहुत क्वेश्चन आते हैं खनिजों पे। तो अब हम देखते हैं खनिजों के बारे में क्या क्या चीज़ें दक्षिण अमेरिका के खनिजों की इंपॉर्टेंट हैं। तो दक्षिण अमेरिका के खनिजों की बात करेंगे तो हम शुरू करेंगे लौह अयस्क से। लौह अयस्क की बात करेंगे तो दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील में इटावरी खान किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इटावरी। इटावरी लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। फिर एक दूसरी खान है जिसको बोलते हैं कोकिम्बो। कोकिम्बो कहाँ है? चिली में है। किसकी खान? लौह अयस्क की है। फिर हम बात करेंगे मैग्नीज की। मैग्नीज के लिए जानी जाती है अमापा। अमापा किसके लिए? मैग्नीज की है। कहाँ? ब्राज़ील में ही। अमापा दरअसल अमेजॉन नदी के उत्तर में एक नदी है जिसको बोलते हैं अमापारी नदी। अमापारी नदी के किनारे स्थित होने की वजह से इसको अमापा बोल दिया गया है। तो अमापा किसके लिए? ब्राज़ील में। फिर दूसरी ओरोप्रेटो। ओरोप्रेटो दरअसल ब्राज़ील में ही स्थित है। ओरोप्रेटो ब्राज़ील में, याद रखिएगा, मैग्नीज अमापा और दूसरी ओरोप्रेटो है। फिर बात करेंगे तांबा की। किसकी? तांबा की। तांबा के लिए फेमस है चुक्की कमाता का पठार। चुक्की कमाता का पठार यहाँ पे चिली में पड़ता है, और चिली आप जानते होंगे नाइट्रेट और तांबे के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है चिली। फिर उसी के बाद में एक और नीचे है मोरोकोचा। मोरोकोचा किसके लिए जाना जाता है? पेरू। मोरोकोचा दरअसल किसके लिए जाना जाता है? तांबे के लिए जाना जाता है। और तांबे को याद रखिएगा, मोरोकोचा है कहाँ पे? पेरू में स्थित है। पेरू की राजधानी लीमा है, तो याद रखिएगा लीमा। फिर बात करेंगे पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम की बात करें, जैसे मैंने बताया वेनेजुएला पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है। तो वेनेजुएला की एक ओरिनिको नदी और मरकैबो झील। ओरिनिको नदी ये रही, मरकैबो झील ये है। तो याद रखिएगा, ये दोनों पेट्रोलियम के लिए जाने जाते हैं वेनेजुएला में, और ये किसके लिए है? कहाँ? वेनेजुएला में ही है, वेनेजुएला में। दरअसल ये तो हो गई बात दक्षिण अमेरिका की, ये इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन और मैं यहाँ पे और एक चीज़ बता दूँ, दक्षिण अमेरिका दरअसल अपनी सभ्यताओं के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अपनी सभ्यताओं के लिए यहाँ पे इतिहास की बात करेंगे तो यहाँ पे एक सभ्यता फैली थी जिसको बोलते थे इंका सभ्यता। इंका सभ्यता जिसकी राजधानी एक ज़माने में मापू पिच्चू हुआ करती थी। क्या? मापू पिच्चू। किसकी? इंका सभ्यता की।
इंका सभ्यता की राजधानी मापू पिचू थी। इंका सभ्यता दरअसल कहाँ पे फैली थी, तो इंका सभ्यता का ये वाला पूरा पोर्शन था, मतलब पेरू इक्वेडोर का ये पूरा क्षेत्र जो कुछ हिस्सा ब्राजील का भी किसके लिए जाना जाता था, इंका सभ्यता के लिए जाना जाता था। लेकिन स्पेन के आक्रमण की वजह से इंका सभ्यता पूरी तरीके से नष्ट हो गई, लेकिन अभी भी इसके ये इस समय वर्तमान में टूरिस्ट स्पॉट है। मापू पिचू देखने के लिए बहुत ज़्यादा दर्शक मतलब आते हैं, मतलब पर्यटक यहाँ पे आते हैं मापू पिचू में। याद रखिएगा इंका सभ्यता कहाँ फैली थी, ये वाला क्षेत्र था इंका सभ्यता का, लेकिन स्पेन के आक्रमण की वजह से वो सभ्यता नष्ट हो गई। वहाँ की राजा एटोवाल्पा थे, बाद में उनको स्पेन वालों ने मार देते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा। लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा इंका सभ्यता की राजधानी मापू पिचू है। और हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका में, तो दक्षिण अमेरिका में कुछ स्थानांतरित कृषियों भी हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है स्थानांतरित कृषियाँ। वैसे हम वैश्विक स्तर पर स्थानांतरित कृषि के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी, लेकिन थोड़ा सा दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे तो उनमें हम देख लेते हैं। तो चलो भारत में तो जैसे झूमिंग एक प्रकार से क्या स्थानांतरित कृषि है, उसी तरीके से बहुत सी स्थानांतरित कृषियाँ दक्षिण अमेरिका में भी हैं, तो उनको हम देख लेते हैं कौन कौन सी। दो फेमस स्थानांतरित कृषि हैं उनको हम देख लेते हैं। एक है ब्राज़ील में है, इसको बोलते हैं रोका। ब्राज़ील में क्या बोलते हैं, रोका। और दूसरी बात करेंगे वेनेजुएला में कोनुको बोलते हैं, कोनुको। तो ये दो हैं फेमस, इनको आप याद रखिएगा। मतलब ब्राज़ील में क्या बोलते हैं, रोका, वेनेजुएला में कोनुको। तो ये दो फेमस, इनको आप याद रखिएगा, ये स्थानांतरित कृषियाँ हैं। इसी तरीके से वियतनाम में रे बोलते हैं, वियतनाम में रे। मलेशिया में लेडांग। तो ये तो फेमस चीज़ें हैं जो मैंने बता रहा हूँ स्थानांतरित कृषियाँ, वो आगे हम बताएंगे स्थानांतरित कृषियों के बारे में। लेकिन दरअसल हम ब्राज़ील पढ़ रहे हैं, तो इन दो के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है स्थानांतरित कृषि में। स्थानांतरित कृषि में होता क्या है, स्थानांतरित कृषि में दरअसल जो यहाँ के जो कृषक होते हैं वो आगे चल करके पेड़ों को काट करके स्थानांतरित होते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, ये पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। मतलब कि इससे पेड़ क्या वर्षावन या जो भी वन है वो कटते रहते हैं, इससे पर्यावरण का ह्रास होता है, मतलब जैव विविधता का ह्रास होता है। तो ये तो रही दक्षिण अमेरिका की बातें, दक्षिण अमेरिका के बारे में हम बता चुके हैं जो जो फेमस चीज़ें थी। तो हम कल एक नए महाद्वीप के साथ आएंगे, वो महाद्वीप हमारा होगा अफ्रीका महाद्वीप। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।